हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, आई एस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। मैं आप लोगों इस साल दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट का क्लियर करते हुए बता रहा हूँ आपको, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड एनर्जीज के कंसेप्ट। और लास्ट ईयर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया था आपको, लेकिन थोड़ा आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं और आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल नहीं पाए एग्जाम। इस बार मैंने थोड़ा एनहेंस किया है नोट्स को और दोबारा से पढ़ा रहा हूँ आपको, और वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करने हैं मैंने नोट्स के साथ एंड में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स करके कंप्लीट करके आपको कवर करूंगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इससे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर सेकंड और बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। फर्स्ट मॉड्यूल नहीं देखा आपने तो देख लीजिए प्लीज इसको। इस मॉड्यूल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर। नेचर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको डिवाइड किए गए हैं वो आपके 12 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन नेचर। फर्स्ट 6 आपके बहुत बेसिक हैं और वो बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनको कवर करते हैं। जैसे उनमें इंक्लूड होते हैं आपके एटम, बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, देन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं आपके ऑर्गेनली, और फिर उनसे मिलकर बने होते हैं आपके सेल्स, सेल के बाद टिश्यू एंड देन ऑर्गन्स, और फिर या फिर ऑर्गन्स सिस्टम भी बोल सकते हैं आप लोग। तो बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम से मिलकर आपका एक इंडिविजुअल कंप्लीट होता है आपका, आ इंडिविजुअल या लिविंग बींग्स, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं आप ह्यूमन या फिर रैट, एक आपका कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी एक इंडिविजुअल लिविंग बॉडी कोई भी हो सकती है आपकी, जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। तो जो फर्स्ट आपके 6th लेवल थे वो मैंने आप ड्रॉप आउट कर दिए, वो सारे आपके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके बहुत बेसिक्स है, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट 6 हैं वो इस पिरामिड में मैंने कवर किए हैं जैसे आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करने के लिए। तो फर्स्ट में आपका है सबसे पहला एक इंडिविजुअल लिविंग बींग्स, एक इंडिविजुअल लिविंग बींग जैसे आपका एक ह्यूमन बींग। अब जब एक ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करता है बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के साथ, जैसे फैमिली के साथ में या फिर अपने सोसाइटी के साथ में, तो एक पॉपुलेशन को क्रिएट करता है। और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी, जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन बहुत सारे एक दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं विथ अ सोशल यूनिट, तब वो क्रिएट करते हैं एक कम्युनिटी को। जैसे मैं पॉपुलेशन क्या सिंपल सी डेफिनेशन दें तो पॉपुलेशन इज अ नंबर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ अ सेम सोसाइटी और स्पीसीज विच लिव्स इन अ स्पेसिफाइड या फिर सिंपल से पर्टिकुलर जोग्राफिकल यूनिट या फिर एरिया में। तो सिंपल से आपकी एक पॉपुलेशन एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो एक, या फिर सिंपल से स्पीसीज हैं जो आपके एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, और इन सभी पॉपुलेशन से मिलकर बनती है आपकी कम्युनिटी। और कम्युनिटी को सिंपल से डिफाइन करें तो कम्युनिटी इज अ स्मॉल और लार्ज सोशल यूनिट, इसको स्मॉल या लार्ज सोशल यूनिट बोलते हैं। ये कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। और बहुत सारी कम्युनिटी की जब बात करते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी का एक सेट कंसिडर किया जाता है और ये कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है विथ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तब ये डेवलप करते हैं इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम में आपकी इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग थिंग्स का और लिविंग थिंग्स का, एक कम्युनिटी में जो रह रहे हैं, तब यहाँ पर स्टेब्लिश होता है आपका इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम जब हम कंसीडर करते हैं जैसे E1, E2, E3, मैंने बहुत सारे इकोसिस्टम ले लिए यहाँ पे, और जब सभी इन सभी के कॉम्बिनेशंस को हम एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़े लार्ज इकोलॉजिकल एरिया में हम जब देखते हैं इसको, तो वहाँ पे हम बात होती है हमारे बायोम की। और एक बहुत बड़े बायोम्स सिंपली एक बहुत बड़े बड़ा आपका ज्योग्राफिकल एरिया होगा, जैसे आपके फॉरेस्ट हैं, डिजर्ट्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े बायोम्स हैं आपके। इन सभी बायोम्स से मिलकर बना होता है आपका बायोस्फीयर, जैसे अर्थ इज अ बायोस्फीयर, ग्लोबल सम ऑफ ऑल पॉसिबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर। मैंने यहाँ पे बायोस्फीयर को सिंपल से यहाँ पे डिफाइन भी किया है, लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। बहुत बड़े आपका जो इकोसिस्टम होता है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, बिकॉज लार्ज इकोसिस्टम इज अर्थ, जैसे आपका बिकम लार्ज इकोसिस्टम इज अर्थ एंड अर्थ इज अ बायोस्फीयर, जैसे आपका अर्थ एक बायोस्फीयर मैंने आपको पहले बताया, तो आपको सिंपली बायोस्फीयर समझ में आ रहा होगा कि ग्लोबल सम ऑफ ऑल द पॉसिबल इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और एग्जाम्पल क्या है इसका, अर्थ। चलिए हम बायोम को डिफाइन करते हैं, और ये मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिए हैं इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल्स। बायोम्स क्या है, बायोम्स इज अ लार्ज इकोलॉजिकल एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इन विच द फ्लोरा एंड फौना अडॉप्ट देम सेल्फ्स इन अ पर्टिकुलर वे इन अ गिवन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मतलब एक बहुत बड़ा लार्ज इकोलॉजिकल एरिया है अर्थ सर्फेस, जहाँ पे आपके जो फ्लोरा और फौना है, मतलब लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अडॉप्ट देम सेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे, और एक दूसरे को वो एक पर्टिकुलर वे में एडॉप्ट कर लेती हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं, इंटरेक्ट करती हैं इन अ गिवन एनवायरनमेंट। बायोम्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये आपके रीजन टू रीजन
डिफर कर सकते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। एक्सटर्नल कंडीशंस और टेम्परेचर्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस और इन सभी पर डिपेंड करते हैं इसके रीजन्स। जैसे मैंने बायोम्स के यहाँ पे सिंपल से एग्जाम दिए हैं फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेचर और वहाँ के प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल्स, इन सभी पे अलग अलग फॉरेस्ट क्रिएट होते हैं और उन सभी सभी को फॉरेस्ट को बोलते हैं बायोम्स। टुंडा और ये डिजर्ट्स, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेन कम हो रही होगी, तो एक पर्टिकुलर एक आपका बहुत बड़ा आपका इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, उस बहुत बड़े इकोसिस्टम के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बायोम। तो ये डिजर्ट्स हो गया आपका, ग्रासलैंड्स, एक्वेटिक्स, ये बहुत बड़े, मैंने बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम कंसिडर कर लिए हैं, बहुत बड़े बहुत सारे इकोसिस्टम को मैंने एक साथ कंसिडर कर लिया, तो ये बोलते हैं आपको बायोम। बायोम इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंसिव देन इकोसिस्टम, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स रहते हैं इंटेंसिव देन इकोसिस्टम से। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डिफाइन किया है। सिक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी स्टार्ट होती हैं एटम से, वो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि उनकी आपकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं एटम्स, टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गेनेल, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बारे में। इन सभी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है आपका एक इंडिविजुअल और फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। उसको याद रखिए, एक बार और लिख, एक बार पढ़ लीजिए इसको दोबारा से। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, ये सिंपली आपके, अभी मैं आपको फूड वेव और फूड चेन के बारे में बता रहा हूँ, और ये फूड वेव और फूड चेन आपकी स्टार्ट होती है आपकी बेसिक प्रोड्यूसर से, और बेसिक प्रोड्यूसर आपके इन्वायरमेंट में है अभी एग्जिस्ट में, जो आपके प्लांट्स हैं, और इन प्लांट्स में एक बहुत बेसिक से आपकी एक एक्टिविटी होती है उनको फूड कंप्लीट करने के लिए, वो फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्लियर किया, यहाँ पे लीव्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स में क्लोरोफिल्स होता है लीव्स में बहुत ज्यादा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल्स विच एब्जॉर्ब सनलाइट, हेंस लीव्स कॉल्ड एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स भी बोला गया है। क्यों? ये लीव्स के अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल आपके सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और नीचे आपके यहाँ से वाटर को एक साथ नीचे जड़ों से ये वाटर को और एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये आपका प्राइमरी फूड आपका C6H12O6 जनरेट करता है और प्लस O2 को रिलीज करता है और एटमॉस्फेयर में H2O भी रिलीज होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जब ये दोनों प्लांट को मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सन इट क्रिएट फूड्स, प्राइमरी प्रोडक्ट यहाँ पे C6H12O6 जनरेट होगा और आपका O2 रिलीज होगा जो ह्यूमन बींग के लिए कंपलसरी है H2O+। ठीक, तो ये प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC जरूर उस दिन को। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस की सिंपल सी मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है किस तरीके से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो पाया जाता है लीव्स में और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका फूड बनाने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल, तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को आपको इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा आपको C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट द प्राइमरी फूड ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा प्लांट्स को। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको याद रखिए। लेस देन 1% ऑफ द सोलर एनर्जी यूज इन दिस प्रोसेस, 1% से कम एनर्जी इस प्रोसेस में यूज की जाती है। फोटोसिंथेसिस इज ओनली पॉसिबल बिटवीन द रेंज ऑफ 400 to 700 nanometers, इस रेंज की वेवलेंथ रहना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए सन की 400 से 700 नैनोमीटर्स की। दिस रेंज इज कॉल्ड द PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज, आपकी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज बोलते हैं PAR, इस रेंज को 400 टू 700 नैनोमीटर्स। ये सिंपल से फैक्ट्स हैं जो आपको याद करके रखने होंगे। फोटोसिंथेसिस पॉसिबल इन नेचर एज वेल एज इन आर्टिफिशियल लाइट, ये आपकी नेचुरल लाइट में पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस और आर्टिफिशियल लाइट में भी पॉसिबल है। आर्टिफिशियल लाइट जो ह्यूमन बींग्स द्वारा जनरेट की जाती है, जैसे बल्ब है और आर्टिफिशियल लाइट में, दोनों में आपकी पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट इज इन रेड, सबसे ज्यादा जो आपका फोटोसिंथेसिस होगा वो रेड में होगा क्योंकि रेड की जो आपकी वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, तो आपकी रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद ब्लू, फिर येलो, फिर देन ग्रीन, तो ग्रीन की सबसे कम होगी। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं लोग। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट इज पॉसिबल इन रेड कलर वेवलेंथ। रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी,
प्रोडक्टिविटी अगर सिंपल से डिफाइन करें तो प्रोडक्टिविटी आप प्रोडक्टिविटी मेजर्स आर एक्सप्रेशन दैट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है इसको। जैसे आउटपुट पर यूनिट हम इनपुट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सिंपली प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। या सिंपल सेम आउटपुट पर यूनिट इनपुट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इक्वेटर सेविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देन ओशियन। देखिए प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर और बट ओशियन हैव मैक्सिमम प्रोडक्शन देन इक्वेटर। देखिए इक्वेटर हैव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इक्वेटर्स में जाना होगी आपकी। लेकिन प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पर होगा? प्रोडक्शन मीन्स इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट। मैक्सिमम प्रोडक्शन तो आपका ओशियन में है लेकिन पर यूनिट इनपुट के हिसाब से आपका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है वो इक्वेटर्स में होगी। तो यहाँ पे इनपुट कम लगता है, यहाँ पे इनपुट ज्यादा रहता है, लेकिन इसलिए यहाँ पे सिंपल से लिखा है, दोनों को कन्फ्यूज मत होइए। प्रोडक्टिविटी मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है ओशियन और इक्वेटर के बीच में। तो यहाँ पे इक्वेटर्स में जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। इक्वेटर्स हैज द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देन ओशियन, बट ओशियन हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन। ओशियन में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है देन इक्वेटर्स। प्रोडक्शन मीन्स इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट। कंपैरिजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं यहाँ पे। कंपैरिजन मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे ओशियंस, ओशियन बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होना है यहाँ पे, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है ओशियंस में। इक्वेटर्स रेन फॉरेस्ट देन ट्रॉपिकल मोस्ट वेट डिसीसेस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डिसीसेस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपकी सिंपल से जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो कम होने लगती है धीमे धीमे। यहाँ पे ओशियन में सबसे ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट डिसीज फॉरेस्ट में कम रहती है। तो इस कंपैरिजन को भी आप याद करके रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोरल्स हैज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन ओशियन। कोरल लीव्स ये आपकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है इसी ओशियन में, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है। तो कोरल्स हैज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन ओशियन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। चलिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में। द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड द फूड चेन। फूड चेन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ फूड या ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्टिव ईटिंग इट इज कॉल्ड फूड चेन। जैसे आपका अगर हम फूड चेन की बात करें और ये यूनिडायरेक्शनल रहती है, फ्लो ऑफ द एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। सबसे पहले होगा क्या इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं फूड चेन बनाने वाला हूँ अभी। जैसे मान लीजिए आपकी सबसे पहले ग्रास होगी, ये ग्रास को बोलते हैं प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी है आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे आपके ग्रास ऊपर दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। एंड ग्रास ऊपर्स को आपको ब्लू बर्ड्स हैं आपके या फिर स्नेक वगैरह इनको कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ब्लू बर्ड देन ब्लू बर्ड को कंज्यूम कर सकते हैं आपके स्नेक और स्नेक ऑल और ऑल आपके और ये आपका डीकम्पोज होगा और देन कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्रास में। तो इस तरीके की एक आपकी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी रहता है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। इट इज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। ये आपकी एक सिंपल से फीडिंग रिलेशनशिप है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं फूड चेन। जैसे आप सबसे पहले लिया मैंने ग्रास, ये ग्रास आपकी होगी कि आपकी सन से लाइट को एब्जॉर्व करेंगी और आपका फूड को प्रिपेयर करेंगी। जैसे ही फूड प्रिपेयर हो जाता है तो उसको कंज्यूम किया जाएगा ग्रास ओपर के थ्रू और ये ग्रास ओपर्स कंज्यूम होते हैं आपके ब्लू बर्ड्स देन स्नेक और देन ओल और डिकम्पोज हो जाते हैं। एक सिंपल सी मैंने यहाँ पे एक फूड चेन डेवलप की। यहाँ पे फूड चेन में आपका जो एनर्जी ऑफ फ्लो होगी वो यूनिडायरेक्शनल होगी, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फूड चेन। और फूड चेन आपकी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन और एक हो सकती है आपकी डेटरस फूड चेन। तो मैं यहाँ पे लेकर दे रहा हूँ, पहली फूड चेन हो सकती है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी आपकी फूड चेन हो सकती है आपकी डेटरस फूड चेन। ये आपकी फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन होती है आपकी, इसमें सीरीज स्टार्ट होती है आपके प्रोड्यूसर से। जैसे आपका प्रोड्यूसर क्या है, आपका ग्रास है यहाँ पे, ठीक है, लाइक प्लांट्स ग्रास इनसे स्टार्ट होती है आपकी सीरीज और उनको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन्स। और डेटरस यहाँ पे आपकी ये सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स,
तो यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगी आपकी सीरीज, यहाँ पे लिख लीजिए आप। और यहाँ पे आपकी सीरीज जो स्टार्ट होगी वो आपकी आपकी प्रोड्यूसर से होगी, जो आपके सिंपल से हैं, आपके प्लांट्स हैं या फिर जो आपके ग्रास वगैरह हैं उनसे स्टार्ट होगी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर, सीरीज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, और यहाँ पे सीरीज स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक डेड मैटर। ये ऑर्गेनिक डेड मैटर से स्टार्ट होगी आपकी डेड ट्रीटर्स। तो सिंपली देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने फूड चेन के बारे में यहाँ पे, द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द और लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड इन द इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड द फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज द यूनिडायरेक्शनल, शॉर्टर द फूड चेन हायर विल बी द एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है वो कम होता है, तो आपको जो आपकी शॉर्टर द फूड चेन होगी हायर विल बी द एनर्जी, इसलिए उसमें हायर एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो कम होगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्टर फूड चेन में हायर विल बी द एनर्जी हायर होगी, इसलिए हायर द एनर्जी लेवल विल बी द स्टेबिलिटी। यहाँ पे लिखा है मैंने हायर द एनर्जी लेसर विल द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कम होगी, जैसे एनर्जी हायर हो गई तो स्टेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि फूड चेन आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, हायर जैसे आपका एनर्जी लेवल हायर होने लगता है तो फूड चेन बहुत लंबी हो जाएगी, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाती है वहाँ पे ले जाके। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। प्रोड्यूसर इज द बेसिस ऑफ ऑल द फूड चेन, आपका किसी भी फूड चेन का जो आपका बेसिक होता है वो आपका प्रोड्यूसर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेजिंग के लिए लिखा है, तो ग्रेजिंग में जो आपका सबसे पहला प्रोड्यूसर होगा वो आपका प्लांट्स वगैरह होंगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग प्रोड्यूसर होगा। और यहाँ पे मैं डेटेटस के बारे में लिखा, तो यहाँ पे डेटेटस में आपकी जो सीरीज स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर की तरह वर्क करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो ये था सिंपल सा आपका फूड चेन के बारे में। और हम फूड वेब की बात करें, इसको मैं अभी थोड़ा एक मिनट के लिए ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, फूड वेब की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फूड वेब क्या है आपके, एक्चुअली वेब में क्या होगा कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाएगा, इंटरकनेक्शन हो जाएगा बहुत सारी फूड चेन्स के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिंपल सा, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन्स इधर कॉल द फूड वेब, मीन्स इन फूड वेब फ्लो ऑफ द एनर्जी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आपका एनर्जी का फ्लो हो सकता है। चलिए देखिए मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर लिया यहाँ पे ग्रास, ठीक है, इस ग्रास को कंज्यूम कौन कौन कर सकता है, डियर कर सकता है, रैबिट कर सकता है, इवन ह्यूमन भी कर सकता है इसको, ठीक, ह्यूमन भी इसको कंज्यूम कर सकता है। और इस ग्रास को कौन कौन कंज्यूम कर सकता है इसको, चलिए कोई एक आपका माउस या आपका रैट, कोई भी इसको ये भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा रैबिट, तो यहाँ पर रैबिट तो कंज्यूम करेगा ही ग्रास को, और इस रैबिट को कंज्यूम कौन कर सकता है, टाइगर भी इसको कंज्यूम कर सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा इस ग्रास को कंज्यूम कर सकता है डियर, और इस डियर को भी टाइगर कंज्यूम कर सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे माउस लिखा है, और इस माउस को आपका स्नेक कंज्यूम कर सकता है, और इस स्नेक इज ईटन बाय काइट, ठीक। तो ये डिफरेंट यहाँ पे आपका फ्लो यूनो डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जनरेट कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स हो गई, ये फूड चेन हो गई आपकी, एक ये फूड चेन हो गई, एक आपकी ये फूड चेन है, और आपकी ये फूड चेन है, तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यहाँ पे जनरेट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन्स इज दैट इज कॉल्ड फूड वेब। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा फूड चेन्स के बारे में जो कुछ था मैंने यहाँ पे लिखा है, तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फूड वेब के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉफिकल लेवल, ट्रॉफिकल लेवल को किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया और हमें जरूरत क्यों पड़ी ट्रॉफिकल लेवल पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने तो फूड चेन बना ली, फिर इसके बाद मैंने फूड वेब के बारे में बात कर ली। अब हुआ क्या, हमें ट्रॉफिकल लेवल में इनकी पोजिशन डिफाइन करनी थी कि हमें किस पोजिशन पर किस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को कहाँ रखना है, प्राइमरी कंज्यूमर को कहाँ रखना है, और जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्पीसीज थी एनवायरनमेंट में उनको हमें कहाँ कहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ट्रॉफिकल लेवल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन द फूड चेन्स, बायोडाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम कैन बी ऑर्गेनाइज इन द ट्रॉफिकल पिरामिड, दैट इज स्पेसिफिक फीडिंग स्टेज इन द इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। मीन्स ट्रॉफिकल लेवल एक रिप्रेजेंट करता है आपकी पोजिशन ऑफ द स्पीसीज इन द फूड चेन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल मैंने आपको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाया, इस पहले ट्रॉफिक लेवल को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। तो हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें बहुत सारे वहाँ पास जो स्पीसीज थी हमारे पास उनके फूड चेन बनी डेवलप हुई इस तरीके से फूड वेब में, उनको हमें एक सिस्टमेटिक
ढंग से रिप्रेजेंट करना था, एक लेवल्स में रिप्रेजेंट करके रखना था, इसलिए हमें ट्रॉफिक लेवल पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पर। तो ट्रॉफिक लेवल स्पेसिफिक फीडिंग स्टेज इन द इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, या सिंपल से लिख दिए ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ स्पीसीज इन द फूड चेन। ठीक है, पोजिशन ऑफ स्पीसीज इन द फूड चेन, दैट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट जो आपका लेवल है वो ग्रास का है, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ये आपकी सन से एनर्जी लेके ये आपका फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ से आपका एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब ग्रास इज कंज्यूम्ड बाई ग्रास ओपर, दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट टू ग्रास ओपर, यहाँ पे ये एनर्जी का फ्लो हो गया एक डायरेक्शन में। अब देन ग्रास ओपर इज कंज्यूम्ड बाई द फ्रॉग, तो यहाँ से आपकी फर्स्ट लेवल से आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी सेकेंड लेवल में, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड लेवल पर, थर्ड और सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल में, देन थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल में, एंड देन ये हॉक में ये आपकी फोर्थ लेवल में पहुंच गई, आपकी फिफ्थ लेवल में एनर्जी पहुंच गई इसके बाद। तो एनर्जी ऑफ फ्लो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके यहाँ पे बता दिया आपको ट्रॉफिकल लेवल में, या फिर नंबर ऑफ के बेस में, या फिर आपके बायोमास के बेस में, वो अभी आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स में। तो हुआ क्या, ट्रॉफिकल लेवल में हमने डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपकी स्पीसीज थी उनकी पोजिशन को डिफाइन कर दिया। तो पहली पोजिशन दी मैंने ग्रास को, या फिर आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर को। तो आप इनको सिंपल से बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसको, ग्रास को लिखा प्रोड्यूसर, और ये ग्रास ओपर को आप सिंपल से बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर को जब कंज्यूम कर लिया जाता है बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर, और देन फर्दर आपका ये हॉक, दैट इज इसके बाद आपका डिग्रेड हो जाएगा, ऑर्गेनिक डेड मैटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो ये आपको ट्रॉपिकल लेवल्स आपको समझ में आ गया। और इन ट्रॉपिकल लेवल को हम इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं इनको, ये हमने ये पिरामिड बना रखे हैं, इनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ये आपके इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोला जाता है ट्रॉपिकल लेवल्स को। ठीक है, तो हमें सिंपल सिंपल सी जो हमारे पास स्पीसीज थी एक फूड चेन में, उनको हमें पोजिशन दे दिया हमने थ्रू द ट्रॉपिकल लेवल, उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, उनके मास के अकॉर्डिंग। तो हम डिफरेंट डिफरेंट इसको अलग अलग स्टेज में हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इकोलॉजिकल पिरामिड को हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, जैसे मैं बता रहा था कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग हमने इकोलॉजिकल पिरामिड को क्लासीफाई कर दिया, देन बेस्ड ऑन द बायोमास, और दैट इज लास्ट आपका बेस्ड ऑन द एनर्जी। तो हमने इन तीनों को तीन, ये आपके जो आप ट्रॉपिकल लेवल था उनको तीन सिंपल से पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन था वो था आपका बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में। चलिए इकोलॉजिकल पिरामिड या आपके ट्रॉपिकल लेवल्स इनको देखते हैं। चलिए पहले इसकी थोड़ा डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सिंपल से, आपको और इजी तरीके से समझ में आएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस वेरियस ट्रॉपिकल लेवल्स, या जो मैंने आपको बताया था सिंपल से लास्ट टाइम पे, वो भी याद करके रख सकते हैं आप, जो था आपका कि रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ स्पीसीज इन द फूड चेन्स, ट्रॉफिकल लेवल, या फिर आपके सिंपल से इकोलॉजिकल पिरामिड, दैट इज रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ स्पीसीज इन द फूड चेन। तो चलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन से देखते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए नंबर्स में किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, जो आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स इन वेरियस ट्रॉफिकल लेवल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, या आपके नंबर्स के टर्म्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले मैंने लिखा है, आप बनाया एक अपराइट पिरामिड और देन इन्वर्टेड पिरामिड। नंबर्स के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर ग्रास का जो नंबर्स होगा आपका, जो आपका प्रोड्यूसर है बेसिक, उसका नंबर ज्यादा होगा, उसको मैंने N1 से डिफाइन किया, फिर दैट, और इस ग्रास को कंज्यूम किया जाएगा ग्रास ऊपर द्वारा, और यहाँ पे आपके ग्रास ओपर्स के जो नंबर होंगे वो कम होंगे, उसको मैंने N2 से डिफाइन किया। फ्रॉग का नंबर और कम होंगे N3, स्नेक्स के नंबर और कम होंगे N4, और हॉक के आपके नंबर्स कम होंगे। तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स के जब अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो अपवर्ड पिरामिड में होता क्या है कि नंबर आपके धीमे धीमे कम होने लगते हैं, जैसे ग्रास ये आपके 90% एग्जिट करते हैं आपके नेचर में, अपवर्ड अपराइट जो आपके पिरामिड बन रहे हैं, अपराइट पिरामिड लिख लीजिए यहाँ पे, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो अपराइट पिरामिड में क्या है, पहले मैंने देखा ग्रास, तो यहाँ पर ग्रास बहुत सारी आपकी नेचर में, इकोसिस्टम में, और ग्रास ऊपर कम है, फ्रॉग उससे भी कम है, स्नेक और कम है, हॉक उससे भी कम है, तो यहाँ पे आपका N1 इज ग्रेटर देन N2,
इज ग्रेटर देन एन थ्री इज ग्रेटर देन एन फोर इज ग्रेटर देन एन फाइव। तो सबसे पहले नंबर्स के अकॉर्डिंग बता दिया कि इसका नंबर जिनका ज्यादा है उनको मैंने नीचे रखा और देन ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है क्योंकि कंज्यूम्ड हो रहे हैं, और जैसे जैसे कंज्यूम्ड होते हैं एनर्जी का डिक्रीट करेगी और धीमे धीमे इनके नंबर भी कम होते चले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ग्रास कंज्यूम करके बहुत सारे ग्रास कम ग्रास ऊपर बनेंगे। इतना नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और मास दोनों डिग्रेड हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं सेकंड पोजीशन देखते हैं जिसको बोलते हैं सेकंड आपका है इन्वर्टेड। ये आपके 10% एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो इन्वर्टेड पिरामिड में क्या है आपका, इन्वर्टेड पिरामिड में क्या है आपका कि यहाँ पे नंबर्स जो है आपके वो इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे, जैसे मैंने कुछ ट्रीज ले लिए जो ट्रीज का आपका डिग्रेडेशन हो गया, ट्रीज के डिग्रेडेशन होने के बाद उन पर बहुत सारे हार्बिवोरस डेवलप हो जाएंगे और हार्बिवोरस के डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इनके बाद इनके नंबर्स और बढ़ जाएंगे, पैरासाइट्स के नंबर उन हार्बिवोरस के डिग्रेड होने के बाद। इसके बाद पैरासाइट्स से जो आपके हाइपर पैरासाइट्स हैं उनके नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर N1 है, ये N2 है इनका नंबर, इनका नंबर N3 है। तो इन्वर्टेड पिरामिड में जो आपका N1 होता है वो आपका लेस देन होता है N2 से और लेस देन होता है N3 से। यहाँ पर आपका जो लेवल बढ़ रहा है, इनके नंबर जो बढ़ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं डायरेक्ट इन्वर्टेड पिरामिड्स में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपराइट पिरामिड और एक इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड में इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ते हैं कम होते हैं, और यहाँ पे इन्वर्टेड में आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ये बढ़ते चले जाते हैं आपके। यहाँ पे सबसे पहले कम होंगे, फिर ज्यादा होगा, फिर लास्ट में ज्यादा होंगे, और यहाँ पे कम होते चले जाते हैं। चलिए देखते हैं, ये तो आपके नंबर्स के बेस पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपके बायोमास के बेसिस पे। ये बायोमास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो बायोमास मींस ऑर्गेनिक मैटर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे बायोमास इज द क्वांटिटी और वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया ऑफ वॉल्यूम, एक गिवन एरिया और गिवन वॉल्यूम में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बायोमास की बात करते हैं, सबसे पहला पिरामिड सिंपल से वही आपका अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है और इन्वर्टेड पिरामिड का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पाउंड इकोसिस्टम से। तो सबसे पहले देखते हैं अपराइट पिरामिड में, और ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड है आपका। तो मास के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मास सबसे ज्यादा किसका होगा, ग्रास का होगा यहाँ पे, और ग्रास का कंजम्पशन जैसे जैसे धीमे धीमे होता चला जाएगा तो मास कम होता चला जाएगा ग्रास ओपर्स का, और फॉक्स का मास और कम होता चला जाएगा, स्नेक का मास और कम हो जाएगा, और हॉक का मास और कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लेवल में जाते हैं तो उनका मास कम होने लगता है क्योंकि कंज्यूम्ड हो रहे हैं, कंज्यूम्ड होने के बाद उनका मास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जिनका कम होता है उसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, और ये आपके इन्वर्टेड पिरामिड। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो लिखा है वो आपका जू प्लैंकटन्स, और इन जू प्लैंकटन्स को कंज्यूम किया जाता है स्मॉल फिशेज के द्वारा। जैसे ही कंज्यूम किया जाता है उनकी क्वांटिटी और बढ़ती चली जाती है, कम रहते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में, और स्मॉल फिशेज को और कंज्यूम किया जाता है तो फिर लार्ज फिशेज की, मतलब लार्ज फिशेज की क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, नंबर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उनकी मास की बात हो रही है, तो उनका यूनिट मास और बढ़ने लगता है। लार्ज फिशेज का आपका जो पर यूनिट मास या फिर वॉल्यूम है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, दैट इज कॉल्ड पॉन्ड इकोसिस्टम, और ये इन्वर्टेड पिरामिड शो करेगा। अब देखते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी, एनर्जी के बेस में अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ तो मैं दोनों एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। एनर्जी पिरामिड इज ऑर्बिट अपराइट, और इस वाले एग्जाम्पल को मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि जो आपका एनर्जी पिरामिड होता है वो सिंपल से आपका अपराइट बेसिस पे होगा। तो मैं एनर्जी का पिरामिड बना दे रहा हूँ। तो एनर्जी पिरामिड में सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूंगा प्राइमरी प्रोड्यूसर को, फिर देन आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर। ये आपके हमेशा अपवर्ड होगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड। डाउनवर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है, एनर्जी का हमेशा डिग्रेडेशन होता है, इसलिए हमेशा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी बनेगा वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, वो हमेशा आपका क्या होगा, अपराइट पिरामिड होगा। तो अपराइट पिरामिड सिंपल सा यही है आपके, अपराइट पिरामिड अगर हम एनर्जी बनाए होंगे तो आपका ये बनेगा पहला वाला, ये वाला कोई बना लीजिए दोनों में से, तो दोनों सेम बनेंगे आपके। तो बेस्ड ऑन द एनर्जी देख सकते हैं, ये आपका बेस्ड ऑन द एनर्जी हो गया। तो आई थिंक आपको तीनों के क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बेस्ड ऑन द बायोमास, एंड देन बेस्ड ऑन द एनर्जी। लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने, जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑन द हायर ट्रॉपिकल लेवल्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल्स। जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट जो ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं,
लेवल्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम द मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल से एनर्जी को रिसीव करते हैं वो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हायर ट्रॉपिकल लेवल्स पे होते हैं, जैसे आपके हॉग वगैरह हैं, ठीक है। ये हॉग वगैरह जो आपके हायर ट्रॉपिकल लेवल्स में हैं, जो एनर्जी मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल से रिसीव करेंगे आपके, वो आपको मैंने यहाँ पे फूड वेव में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको स्नेक है या आपकी काइट है, तो आप काइट डियर को भी कंज्यूम कर सकती है, आपके टाइगर को भी कंज्यूम कर सकती है। इस तरीके से आपके जो आपके ऑर्गेनिज्म के हायर ट्रॉपिकल लेवल हैं, वो एनर्जी बहुत मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल से रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये लास्ट पॉइंट था जो मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया, और ये इनकी क्लासिफिकेशन थी वो बहुत अच्छी तरीके से बता दिए, और इसमें जो डिफरेंस है बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव और ट्रॉपिकल लेवल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा से देख लीजिए, एंड सेकेंड मॉड्यूल में स्टार्ट करेंगे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।